श्रीवास्तव, स्वागत है आपका जागरण न्यूज में। व्यापारियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया बंद प्रदर्शन, FDI इन रिटेल इंडिया वॉलमार्ट के मुद्दे पर देश भर के व्यापारियों का भारत बंद प्रदर्शन का असर कानपुर में भी देखने को मिला। आइए देखते हैं इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार की विदेशी व्यापार नीति के विरोध में देश भर के व्यापारियों ने जहां एक ओर भारत बंद का आह्वान किया, वहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया। कानपुर में भी इस बंद का खासा असर देखने को मिला, जहां एक ओर शहर के प्रमुख व्यापारियों ने इसका विरोध जमकर नारेबाजी करते हुए किया, वहीं दूसरी ओर फुटकर विक्रेताओं ने अपनी दुकानें खुली रखी, जबकि FDI के आने का सबसे ज्यादा असर इन छोटे विक्रेताओं पर ही पड़ेगा। कि हमारा किदवाई नगर उद्योग व्यापार मंडल जो है, ये इसका विरोध कर रहा है। मैट जो मार्केट बाहर की विदेशी कंपनी आ रही है इंडिया में, इसके विरोध में आज हम लोगों ने पूरा कानपुर बंद, कानपुर क्या पूरा इंडिया बंद है आज। इसके विरोध में ही हम लोगों ने आज पूरी बंदी रखी है और सारे व्यापारी एक जगह इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, इससे जितने भी गरीब दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, इनको काफ़ी नुकसान होगा। और हम लोग चाहते ये हैं कि ये पूरी तरीके से वापस होना चाहिए, केंद्र सरकार को इसको वापस लेना चाहिए और गरीबों के हित के लिए काम करना चाहिए। हालांकि जहां देश व्यापी बंद के चलते सड़कों पर फैले सन्नाटे और दुकानों पर लटकते तालों ने थोक व्यापारी के गुस्से को साफ जाहिर किया, वहीं दूसरी तरफ फुटकर विक्रेताओं की दुकानें और ठेले वालों के ठेले पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। दरअसल ये व्यापारी विरोध के समर्थन में तो है, लेकिन इन लोगों के लिए एक दिन की कमाई भी खासी मायने रखती है। लेकिन इस समय शादी विवाह के कार्यक्रम कुछ ज़्यादा चल रहा है, इसलिए उन लोगों को कठिनाई होने के कारण हम लोग थोड़ा दुकानें खोले हुए, और कोई बात नहीं। द्वारा किया गया केंद्र सरकार के खिलाफ बंद प्रदर्शन का असर आज कानपुर मंडी में भी देखने को मिला। सड़कों पर फैला सन्नाटा और दुकानों पर लटके तालों ने ये साफ कर दिया कि व्यापारियों का गुस्सा अभी बाकी है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार का ये फैसला थोक व्यापारियों पर क्या असर करती है। कैमरा पर्सन आरिश के साथ जागरण न्यूज, मैं पारुल।